झुंझुनू में 53 लाख रुपए की हुई चोरी को पुलिस करियो खुलासो। दो महिला समेत 8 ने करे गिरफ्तार, जिमो एक नाबालिग डिटेन। 25.21 लाख केस करियो बरामद। झुंझुनू के सदर थाना क्षेत्र के नयासर गांव में करीब एक महीना पहली 53 लाख रुपए की चोरी को पुलिस खुलासो करियो है। पुलिस मामला में दो महिला समेत 8 जनान गिरफ्तार करे है। इसके अलावा एक नाबालिग ने भी निरुद्ध करियो है। आरोपिया के कब्जाऊ 25.21 लाख रुपए केस, 30,000 रुपए का कीमती एक मोबाइल व घटना के दौरान काम में ली गई कार भी बरामद करी है। सभी आरोपी झुंझुनू जिला का अलग अलग जगह का रहने वाला बताया जा रहे हैं। ई कार्रवाई में DST सदर पुलिस का 150 CCTV कैमरा खंगाल के आरोपियों पकड़े हैं। SP राजर्षि वर्मा बतायो कि 29 जून 2024 ने नयासर निवासी सुनीता कसवा एक मामलों दर्ज करवायो हो, जिम वह जमीन बेचने ने लेके मिली रकम 53 लाख रुपए घर के कमरा में एक संदूक में रख रखी ही। 28 जुलाई की रात्रि ने पड़ोस में जन्मदिन की पार्टी चल रही ही, घर का सभी लोग पार्टी में शामिल हुआ। वापस आया तो देखा तो कमरा तालो टूट रहे हो और संदूकों 53 लाख रुपया गायब हा। SP बतायो कि आरोपियों पकड़न के लिए झुंझुनू सदर थाना पुलिस साइबर सेल DST की टीम को गठन करो गयो। घटना स्थल व गांव के आसपास के लागता रास्ता पर 150 CCTV कैमरा ही बन खंगाला गया। आस पड़ोस के 20-25 गांव का लोगों पूछताछ भी इन लेके करी। इस दौरान मुखबिरु सूचना मिली कि चोरी का आरोपी मुकनगढ़ थाना क्षेत्र के चुड़ी चतरपुरा गांव का एक आरोपी के खेत में बैठकर अन्य जगह चोरी को प्लान बना रहे हैं। इस पर टीम मौका पर पहुंची, अन्य घेराबंदी करके मौकाओं गिरफ्तार कराया। पूछताछ में आरोपी चोरी में दो महिला व एक नाबालिग के शामिल होने भी स्वीकार करो, जिस पर पुलिस रेखा देवी पत्नी राकेश निवासी नयासर व चुड़ी चतरपुरा की मनीष पत्नी कृष्ण कुमार ने भी गिरफ्तार करी है। बैठी एक नाबालिग ने भी निरुद्ध करो गयो है। इस मामला में अन्य आरोपी विकास जांगिड़ जो कि चोरी में सहयोग करने व अन्य आरोपियों की तलाश अभी करी जा रही है। 29 जून को हमारे पास सूचना आई सदर थाने में कि एक परिवादिया हैं सुनीता, जो कि नयासर गांव की रहने वाली थी। इन्होंने बताया कि इनके करीब 60 लाख रुपए इनके घर से चोरी हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए और जो चोरी का पूरा जो वैल्यू था उसकी गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का हमने गठन किया, जिसमें सदर थाने के भी हमारे SHO साहब के नेतृत्व में टीम थी, अपनी साइबर टीम थी और ज़िला स्पेशल टीम के कुछ सदस्य थे। इन्होंने अथक प्रयास करते हुए करीब 150 CCTV कैमरास को चेक किया, BTS एनालिसिस किया और जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सारा कुछ किया और साथ में आसूचना संकलन भी हम निरंतर कर रहे थे। इस पूरे प्रयास के फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें टोटल 8 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें 5 पुरुष हैं जिनके नाम हैं कृष्ण कुमार, अंकित कुमार, अमान उर्फ रॉकी, अमित कुमार और रिंकू। 2 महिलाएं हैं रेखा और मनीषा और एक विधि से संघर्षरत बालक है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो हमने पूछताछ की पुलिस कस्टडी में लेकर इन आरोपियों को, उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये जो 2 महिलाएँ हैं रेखा और मनीषा इनके द्वारा की गई थी। रेखा जो है वो जो परिवादिया है सुनीता उनकी पड़ोसी हैं और मनीषा जो है वो रेखा के ननद की बेटी है। इन दोनों के द्वारा प्लानिंग की गई। परिवादिया के पास पिछले एक महीने पहले करीब अपनी पैतृक संपत्ति बेचने से काफ़ी पैसा आया था जो कि इनके संज्ञान में था। तो इन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि परिवादिया और उसके परिवार को अपने बर्थडे पार्टी में एक बुलाया और उस वक्त इन्हें पता था कि घर खाली रहेगा और जो बाकी 5 पुरुष है वो रेखा और मनीषा ने ही इनको बुलाया था ये चोरी करने के लिए। अभी तक हमने टोटल 25,20,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए हैं। इसमें एक आरोपी भी और वांछित है विकास जांगीड़ करके, जिसको भी हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भी हम इसमें अभी कल तक पुलिस कस्टडी हमने ली है और भी आगे भी हम और रिकवरी करने का इसमें प्रयास करेंगे। परिवादिया ने तो 60 लाख लिखाया था मगर हमारे अनुसंधान में और फिर उसके बाद अभी जो क्लियर हुआ है करीब 53 लाख की राशि थी। आरोपी थे बाहर के थे चोरी करने लिए? नहीं, ये सब अपने झुंझुनू ज़िले के ही हैं, अलग अलग एरिया के हैं। कोई मुकुंदगढ़ का है, अपने नवलगढ़ के हैं, मंडावा के हैं, तो अपने ज़िले के ही हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र के। पहले पकड़े गए उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड? बिल्कुल, 8 में से 5 जो अपराधी हैं उनका पहले का रिकॉर्ड है।
मारपीट के हैं, एक का चोरी का भी है।